स्टार्ट। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और अब अमेरिका से आई एक नई रिपोर्ट ने दोनों देशों के बीच बढ़ते जोखिम की ओर इशारा करके मामले की गंभीरता को फिर दर्शाया है। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट के अनुसार विवादित सीमा पर भारत और चीन दोनों ओर बढ़ती सैन्य मोर्चाबंदी, दो परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव के जोखिम को बढ़ा रही है। इससे अमेरिकियों और अमेरिका के हित भी खतरे में पड़ सकते हैं। वे विवाद बढ़ने पर अमेरिका के हस्तक्षेप की भी मांग बढ़ सकती है। उस चीनी दुस्साहस को भुलाया नहीं गया है जिसके चलते साल 2020 जून में दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। उसके बाद से ही तनाव बना हुआ है और यह स्वाभाविक भी है। दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर 17 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन समाधान के लिए तैयार नहीं है। वह संसाधन बल और धूर्तता के जोर पर अनावश्यक दबाव बनाए रखना चाहता है। अमेरिकी रिपोर्ट अगर यह खुलासा कर रही है कि बढ़ते गतिरोध की वजह से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर छोटे संघर्ष की स्थिति बनी, तो आश्चर्य की बात नहीं है। एक तरह से यह अमेरिकी रिपोर्ट केवल सावधान करती है, कोई सलाह नहीं देती। वैसे भारत चीन तनाव पर प्रकाश डालने वाली यह कोई पहली रिपोर्ट नहीं है और इससे हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। गलवान के बाद से चीन के साथ भारत का तनाव चिंताजनक भी है। भारत के महत्व को चीन भी समझता है, पर इसे स्वीकार करने में वह हिचकता है। उसे पता है भारत ने कभी उस पर हमला नहीं किया। उसे यह भी पता है कि उसने भारत की जमीन कब्जा रखी है। उसकी आक्रामक मुद्रा दरअसल बचाव की ही कोशिश है। साथ ही वह लगातार संवाद जारी रखते हुए खुद को सही ठहराना चाहता है और भारत समाधान की उम्मीद में उचित ही संवाद जारी रखे हुए है। यह समस्या भारत की है और उसे ही मजबूती से समाधान खोजना है। ध्यान रहे, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य तंत्र की 26वीं बैठक 22 फरवरी 2023 को बीजिंग में आयोजित हुई थी। यह जुलाई 2019 के बाद आयोजित ऐसी पहली बैठक थी। चर्चा बेनतीजा रही है, पर अच्छे माहौल में हुई है। दोनों पक्ष अगले दौर 18वें की कमांडर स्तरीय वार्ता जल्दी करने पर सहमत हुए हैं। चीन अपने रवैये को तार्किक, व्यावहारिक और शालीन बनाए इसके लिए भारत को हर संभव कोशिश जारी रखनी चाहिए। ब्रह्म